अब्राहम के घर के सचिन ने उसारे की जो होता है भगवान ने उद्धार किया है। जैसे इस तरह से युद्ध हुआ, रावण धराशायी हुआ, आकाश में देवता लोग जोर जोर से ठाकुर जी का स्वागत किए हैं। अरे रावण मजा हुई जब इस तरह से किया, लेट जब तुम लेट जब क्या मन नहीं है क्या इनका भाई क्या सोच के आए हैं लेट लगा रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं बाद में बना रहे हैं कि नहीं मानी है अलग अलग आज आकाश में देव चलो बड़े सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। मुझे अपनी शरण में ले लौरा, मुझे अपनी शरण में ले लौरा, नौ जल मन में जगह हो, नौ जल मन में जगह हो, शरण कमल में ले लौरा, ले लौरा ध्यान से सुनना। जब रावण मरा तो कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, शास्त्रों में अलग अलग बातें मिलती हैं। हमारे राम जी ने लखन जी से कहा है आज एक बहुत बड़ा ज्ञान का सूर्य अस्त हो रहा है, जाओ कुछ
शिक्षा ले लो। बाप बड़ा विद्वान था लेकिन बस थोड़ी गड़बड़ी थी। उसने पूछा, जब जब लक्ष्मण को देखा, बोले क्यों आए हो वनवासी? तो बोले भैया ने यह बात कही है, एक बात बताओ, तुम्हारे पूरे जीवन का अनुभव क्या है? आप बड़े अनुभवी हैं, अनुभव क्या है बताओ। बोले जो काम करना है उसे जल्दी से जल्दी कर लो, नहीं तो समय का कोई पता नहीं है। समझ में आया? ये रावण का भी अनुभव है और यही संत लोग सदा बोलते हैं, मेरे मन में थी अग्नि में से धुआं हटा दो, पानी में से काई हटा दो और स्वर्ग में सीधी सीढ़ी लगा दो। जो लोग आराम से आने जावे, बाद में चाहे वो ट्रॉली फिट कर ला जावे, लेकिन मैं आज कल करते करते ये अधूरा रह गया मेरा। उसका अनुभव है कि जो करना है उसको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। लखन कश, अगर आज मैं हारा तो मेरे पास समय कम है, बस इसलिए हार गया। ये समय बहुत कीमती है लखन, इसको अच्छे से अच्छे में लगाओ। क्या अनुभव है सोचो। ये रावण साधारण नहीं है। एक बात बताओ, अपने लोगों से तो अच्छा ही होगा, विचार चलो। इतना बड़ा भक्त था भगवान का, हम लोग फूल भी चढ़ाने में आलस्य करते हैं, वो सिर काट के चढ़ा देता था, कम भक्त था, विचार चलो। फिर भी उसे राक्षस क्यों कहा गया, उसको क्यों जलाते हैं, क्यों नफरत में देखते हैं? सब कुछ ठीक था, अच्छा था, तपस्वी था, लेकिन मौका पाके गलत कर लेता था। ये दोष था उसमें और यही दोष हम जितने बैठे हैं सब में है, ज्यादा दोष नहीं। अच्छा, साधु संत इतने महान क्यों होते हैं? क्योंकि वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि अच्छा हो या ना हो, मेरे जीवन में अब बुरा नहीं होगा। ध्यान दे लो भैया, इतना ही करना है। रावण इतना महान तपस्वी, दुर्गुण क्या था कि मौका पाके गलत भी करता था, इसलिए पतन हुआ। साधु संत बहुत बड़े बड़े तपस्या नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में यह भेद लिया कि गलत नहीं करेंगे बस, और जब गलत नहीं करेंगे तो इतने बड़े कि आज भी दुनिया उनके नाम को पूछती है। फिर से सुन लो भैया, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम नहीं किए इसलिए समाज नाराज हो, ऐसी बात नहीं है। हमने गलती की है इसलिए नाराज। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर अच्छे ही बनना चाहते तो अच्छा करके मत बनो, बुरा छोड़ के भी बन सकते हो। बस अपने जीवन में इस कथा में ये बात धारण कर दो कि मैं अच्छा कर पाऊं कि नहीं, कोशिश करूंगा मेरे द्वारा बुरा मत हो, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा चाहने के लिए तो धन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, शरीर में बल चाहिए और गांव वालों का साथ चाहिए। लेकिन बुरा छोड़ने किसकी जरूरत पड़ेगी बोलो, और आप कर सकते हो या नहीं। इसलिए कथा का सार चीज है, इस पर ध्यान दो। साधु संत महात्मा जब निर्णय करते हैं तो सबसे पहले यही, अब गलत नहीं, अब लो नसानी और अब ना सही हो, बस प्रभु अब तक जो हुआ अब आगे नहीं। ऐसा सुंदर जीवन हम सभी जरूर बनावे और शिक्षा ले लें। क्या नहीं था रावण के पास में, अगर वो गलत नहीं करता तो मारा जाता। सभी लोग विचार करें, मरते समय कहा हतम पचारी कहां है वो राम, मैं उसको मार दूंगा, खुद मर रहा है। आकाश में देवता लोग जय हो जय हो की ध्वनि करके भगवान का स्वागत किया है। बड़े बड़े देवता स्तुति किए हैं, स्वयं महाराज दशरथ आए हैं। आज दशरथ जी को ज्ञान दिया है हमारे प्रभु ने, और इसके बाद में मंदोदरी आई है। जब इनका सिर और हाथ गया, लिख के बताया मैं गया, तो आती है भुजबल जिको काल जन साई, आज पर्यो अन्य अनाथ की नाई, जिन भुजाओं से सारे सृष्टि को तुमने जीत लिया, आज अनाज की तरह पड़े हैं। ये कोई गलत नहीं है,
राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न गोकुल रोनिहारा। ये राम के विमुखता का फल प्रत्यक्ष समाज देख लो, ये सृष्टि इस रावण की दशा को देख लो। राम के विमुख होने से आज कोई कुल में रोने वाला भी नहीं बचा है कि तेरे पीछे कोई रोएगा भी। सवा लख पूत सवा लख नाती, तही रावण गर्भ दिया निभाती। किस लिए? राम के विमुख हुआ तो। बस विधि प्रपंच सब ना था, सब सबित नाम हिमा था, अब तो सिर्फ भुज जम्बू खाई। जिस सिर के सामने बड़े बड़े देवता सिर झुका करके नतमस्तक करते थे, आज वही तुम्हारा सिर ये सियार कुत्ते खाएंगे। यहां क्या दशा करवा ली आपने? मैंने बहुत समझाया था कि काल दिवस पसी कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुज कर जाना। परमात्मा को तुमने साधारण मनुष्य समझा, मैंने बहुत हाथ जोड़ के तुम्हें समझाया था जाओ मत, लेकिन चले गए। आहा नाथ रघुनाथ संत के पास सिंधु नहीं आई, जोग बृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। एक तरफ तुम्हारी करनी और एक तरफ परमात्मा की करनी, देखो जो योगियों को भी गति दुर्लभ है वो गति तुम्हें अपने लोक भेज करके दिया है। एक तरफ तुम्हारी करनी और एक तरफ उनकी, देखो क्या मंदोदरी को ज्ञान था। जब इस तरह से कहा है भगवान ने समझाया है, पर कहा है हे विभीषण अब ये रोना धोना सब बंद करो, जो होना था सो तो हो गया। अपना भाई को लो मंदोदरी, सोच मत करो, तुम जानती हो हाँ प्रभु। उसके बाद कहा है जाओ अब इनका विधि विधान से क्या करो अंतिम संस्कार। लखन सास गए हैं, विभीषण को राजा बनाएंगे, समय लगेगा, तब तक अपने लोग कितने टाइम में 40 मिनट जल्दी जल्दी करना। आगे भगवान किस तरह से आएंगे बहुत सुंदर प्रसंग है, उसको हम लोग सुनेंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, सीताराम राम राम सीताराम राम जय जय राम राम, सीताराम राम जय जय राम 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 सीताराम राम सीताराम Thank you.